हेलो एवरीवन, वेलकम टू मसाला दानी। गणेश चतुर्थी आ रही है, इसलिए आज हम बनाएंगे मोदक और इनको हम अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाएंगे। मोदक गणेश जी को क्यों पसंद है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। आपको कौन सी पता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक कहानी तो ये है कि एक बार सारे देवता एक मोदक लेकर पार्वती जी और शिव जी के पास कैलाश गए। तो पार्वती जी ने सोचा कि दोनों बच्चों को आधा आधा मोदक खिला देती हूँ, लेकिन कार्तिक और गणेश जी में हो गई लड़ाई। टू सॉल्व दिस, पार्वती जी ने रखा कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट ये था कि दोनों बच्चों में से जो अपने डिवोशन को प्रूव कर सकेगा उसको ये मोदक मिलेगा। तो कार्तिक जो है वो तो फटाफट अपने वाहन पे बैठ के पूरे दुनिया का जो पिलग्रिमेज है उसके चक्कर काटने लगे। और गणेश जी ने क्या किया, शिव जी और पार्वती जी जिस आसन पे बैठे थे उसी का भ्रमण करने लगे। तो पार्वती जी बहुत खुश हो गई और उन्होंने वो मोदक दे दिया गणेश जी को। तो उस दिन से मोदक गणेश जी की हो गई फेवरेट मिठाई और उनके 108 नामों में से एक नाम मोदक प्रिय भी है। तो चलिए बनाते हैं गणेश जी का फेवरेट ऑथेंटिक मोदक, जिसके लिए मैंने एक चम्मच घी को पैन में गर्म कर लिया है और अब डालेंगे नारियल का भूरा जिसको हम भून लेंगे। इसको डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और चुटकी भर नटमेग, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ मैंने आधा कप लिया है फॉर 1.5 कप ऑफ नारियल का भूरा। आप इसको अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये मिक्सचर ड्राई है तो आप इसमें आधा चम्मच दूध डाल दीजिए, जिससे कि ये गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मिल जाएगी। इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालिए, किशमिश ज़रूर डालिए, मोदक में किशमिश ज़रूर होती है। मोदक की फिलिंग में आप काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हैं। अभी अभी जो हमने फिलिंग बनाई वो तो ऑथेंटिक हुई। अब चलिए बनाते हैं एक चॉकलेट मोदक। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की जगह मैंने कोको पाउडर डाला है। आजकल मार्केट में बहुत सारे मोदक के फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, आप उनको घर में भी बना सकते हैं। खोया डाल के बनाइए, बर्फ़ी डाल के बनाइए, पेड़ा डाल के बनाइए या ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाइए। लेकिन अगर गणेश जी की पसंद का बनाना है तो जो मैंने ऑथेंटिक मोदक आपको बताया है वही बनाएं। मोदक का जो कवर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्राइड। तो हम पहले फ्राइड मोदक के कवर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने आटा लिया है, साथ में इक्वल क्वांटिटी का सूजी, उसमें डाला है नमक और अब मैं इसमें गरम गरम घी डालूंगी। ऐसे सिजल होना चाहिए, इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे, बहुत गर्म होगा। और फिर हल्का हल्का पानी मिला के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। चेक की डो परफेक्ट बना है, आप एक उंगली से इसको हल्का सा प्रेस करिए, अगर ये वापस आना शुरू करे इसका मतलब डो बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट गूंथा गया है। इस डो को कवर करके हम 10-15 मिनट के लिए अलग रख लेंगे। तैयारी करते हैं उकड़ी मोदक की। महाराष्ट्र में उकड़ी का मतलब होता है स्टीम्ड। 2 कप पानी को बॉयल करना है और उसमें डालना है आधा चम्मच घी और 1 चुटकी नमक। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो हम इसमें मिलाएंगे 1 कप चावल का आटा और इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना हो और चावल का आटा अच्छे से पक जाए। आटे को हमें अब ठंडा करना है, एटलीस्ट 50% ठंडा हो जाना चाहिए, जिसके बाद हम इसको मोल्ड करना शुरू करेंगे। चलिए, जब तक चावल का आटा ठंडा हो रहा है, हमारा जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है और आटा भी रेस्ट हो चुका है, तो हम तब तक फ्राइड मोदक की तैयारी करते हैं। आटे को हल्के हाथ से गूंथ लीजिए और एक छोटी सी लोई ले लीजिए। अभी मैं आपको दिखाने के लिए लोई थोड़ी बड़ी ले रही हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे, लेकिन जब आप बनाएं तो इसको नींबू से थोड़ा सा कम साइज ही रखें। जितना पतला क्रस्ट होगा उतना अच्छा और टेस्टी मोदक बनेगा। लोई को अच्छे से स्मूथ कर लीजिए और फिर हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। रोटी पतली होनी चाहिए। ये अब इसमें फिलिंग डालते हैं, बहुत ही अच्छे से भरिए इसको। जब मोदक को तोड़ा जाए तो फिलिंग खाली खाली नहीं होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए। जितना बड़ा या छोटा आपको मोदक बनाना हो उसी हिसाब से रोटी बेलिए। ध्यान रखिए कि रोटी सिर्फ इसको रैप करने के लिए है, तो बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए ताकि क्रिस्पी भी एक मोदक बने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बिना मोल्ड के मोदक को कैसे आप फोल्ड करेंगे। तो पहले मैंने चार तरफ से इसको इकट्ठा कर लिया है, जैसे कि हम कोई पोटली बनाते हैं। और अब इसके जो फाइनल
कॉर्नर्स बने हैं, जो लूप्स बने हैं, उसको भी मैं अंदर ऐसे पुश कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, और इसको बीच में इकट्ठा करके प्रेस कर लेंगे, और एक्स्ट्रा आटा अगर होगा तो उसको हम निकाल लेंगे। जब आप इसको पतली रोटी के साथ गूंथेंगे तो ये बहुत ही फाइन दिखेगा, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी पतली रोटी के साथ ये कैसे बनता है। और एक और बार ट्राई कर लेते हैं सेम मेथड से, उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी। तो ये फिर से ली एक रोटी, इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्सचर, अच्छी तरह फिल करना है। और ये देखिए, अब मैं इस रोटी को फिर से फोर साइड से बीच में ला रही हूँ, एंड फाइनली ये जो कॉर्नर्स हैं इनको भी इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, प्रेस करिए, और जब आप फाइनल प्रेस कर रहे हो तो इसको हल्का हल्का घुमा दीजिए ताकि एकदम सील हो जाए। एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। चलिए अब एक और तरीके से मोदक बनाते हैं। इस वाले मेथड से स्वर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, तो ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो ये फिर से ली मैंने रोटी, और फिलिंग डालेंगे भर भर के। अब इसकी देखिए, ये लेफ्ट हैंड की उंगलियों से और राइट हैंड की उंगलियों से मैं इसको स्वर्ल्स दे रही हूँ। ये देखिए कैसे, दो उंगलियाँ यूज़ होंगी दोनों हाथ की, और इसको घुमाते हुए ये देखिए प्रेस किया, और प्रेस करते समय भी इसको थोड़ा सा घुमाइए दोनों तरफ। सो योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड शुड रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए कितने बढ़िया स्वर्ल्स आए हैं इस वाले मोदक में। ये भी जब आप पतली रोटी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, एक और रोटी लीजिए, ये फिलिंग, ये देखिए भर के फिलिंग डाली है। और अब ये स्वर्ल्स मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये पुश किया अंदर राइट हैंड की टू फिंगर्स के साथ, और ये देखिए नीचे से मैं दिखा रही हूँ कि लेफ्ट हैंड के भी फिंगर से हम इसको कैसे पुश करके बना रहे हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये देखिए सो सिंपल। अब इसको प्रेस करेंगे एंड टर्न करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट शुड बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए परफेक्ट। डिटेल्ड इंग्रेडिएंट लिस्ट और फिलिंग के मोर ऑप्शंस मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पे 5, 11 या 21 मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है, और साथ में एक करंजी बनाई जाती है। जैसे यूपी में गुजिया का शेप होता है, करंजी बिल्कुल वैसे ही बनती है। तो ये करंजी बनाने के लिए मैंने एक डो को बेल लिया है और थोड़ा सा ओवुलर शेप में फिलिंग को डाल दिया है। अब एक साइड से हम इसको रोल करके पेस्ट कर देंगे, और ये थोड़ा सा पानी मैंने लगाया ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये फोल्ड करिए। अब इसको शेप देने के लिए या तो आप इस तरीके से फोल्ड दे सकते हैं, या फिर आप एक फोक की मदद से हल्के हाथों से इम्प्रेशंस भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये मैं फोल्ड कर रही हूँ। लास्ट स्टेप, वी विल डीप फ्राई दिस मोदक एंड करंजी ऑन मीडियम फ्लेम। तो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। आप इकट्ठे कर सकते हैं क्योंकि मैं आज दिखाने के लिए सिर्फ 5 ही बना रही हूँ। मैंने छोटी सी फ्राइंग पैन में ही इसको एक एक करके फ्राई किया है, बट आप सबको एक साथ फ्राई कर सकते हैं। ये मैं कुछ मोदक चॉकलेट फिलिंग के साथ बना रही हूँ, और ये देखिए मैं इसका जो ऊपर का कवर है कितना पतला बेल रही हूँ। मोदक की एक और कहानी बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि एक ऋषि ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी को खाने पे बुलाया, और गणेश जी को बहुत भूख लगी थी, तो सबसे पहले वो खाना खाने बैठ गए, लेकिन सारा खाना ख़त्म हो गया लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी।
तो जो ऋषि की पत्नी है उन्होंने दोबारा कई बार खाना बनवाया, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटी। तो उन्हें लगा कि अगर गणेश जी थोड़ा मीठा खा ले तो शायद उनकी भूख मर जाएगी। कहते हैं गणेश जी ने वो मिठाई खाते ही बप किया, और गणेश जी ही नहीं साथ में शिव जी ने ये नज़ारा देख के 21 बार बप किया। और ये पूरी कहानी देखकर पार्वती जी बड़ी हैरान हो गई और उन्होंने ऋषि की पत्नी से पूछा कि ये कौन सी मिठाई है जिसे खाते ही ये असर हो गया। तब उन्हें पता चला कि ये मिठाई है मोदक, और तभी से ये गणेश जी की फेवरेट मिठाई है। मेरे पास थोड़ी सी फिलिंग बाकी है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि फोक से आप गुजिया शेप कैसे बना सकते हैं। जो राइस बैटर हमने बनाया था वो अब तक ठंडा हो चुका है, तो आइए चलिए अब उकड़ी मोदक बनाते हैं। तो लेमन साइज बॉल्स बनाएंगे हम इस बैटर की, और उसको हाथ से इस तरह स्प्रेड कर देंगे। जो फिलिंग है उसके हम बॉल्स बनाएंगे छोटे छोटे और इसके बीच में रखेंगे। अब हाथों से हमें एक्स्ट्रा बैटर इस तरह निकाल देना है, और जो मोदक है उसके ऊपर एक हल्की सी चोटी रखनी है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये डिज़ाइन बन चुका है। एक प्लेट को ग्रीस करके इन सारे मोदक को उस पर रखना है। आप स्टीम करने के लिए राइस कुकर या फिर इडली का स्टैंड या फिर मेरी तरह एक कढ़ाई में नीचे पानी डालकर ऊपर ये प्लेट रख सकते हैं। इसको ढक दीजिए, हल्का सा ढक्कन खुला रखेंगे ताकि स्टीम से जो पेपर बनेगा वो इसके ऊपर ना गिरे और आपका जो कोट है वो ख़राब ना हो। सारे मोदक तैयार हैं, आइए अब इनको काट के एक बार देख लेते हैं। देखिए कितने ही टेस्टी और जूसी लग रहे हैं। स्टफिंग देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से है, कोई गैप नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। गणेश चतुर्थी, अपने हाथों से बनाइए मोदक और गणेश जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाइए। I hope you like this recipe. Don't forget to subscribe to our channel Masala Dani. Do share it with your friends and family. Thank you.